नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल। बात करते हैं जमुई में हो रहे धरना की। जमुई जिलाधिकारी आवास के कैंपस में बुधवार की सुबह से ही चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा अभी तक थमा नहीं है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी वत्सला सिंह अभी तक डीएम कैंपस में ही धरने पर बैठी हुई है। उनकी माँ भी उनके साथ है। दोनों माँ बेटी अखबार बिछाकर कैंपस में ही बैठी हुई है। उनका आरोप है कि ठंड के इस मौसम में उन्हें घर से कम्बल भी नहीं लेने दिया गया है। वत्सला सिंह ने कहा है कि अभी तक भी उनके पति जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार से उनकी बात नहीं हो पाई है। वे लगातार शहर से बाहर बताए जा रहे हैं। वत्सला ने आरोप लगाया है कि जिले के वरीय अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्हें पत्नी होने के बावजूद घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वे अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के साथ बाहर ही बैठी हुई है। उन्हें घर के अंदर टॉयलेट का इस्तेमाल भी करने नहीं दिया जा रहा। वत्सला सिंह ने बताया है कि उनके पति कहते हैं कि वह इंग्लिश बोलती है, मॉडर्न है, इसलिए पति का परिवार उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। यह पूछने पर कि क्या उनके पति को ये बातें शादी से पहले पता नहीं थी, वत्सला कहती हैं उन्हें सब कुछ पता था। डीएम धर्मेंद्र कुमार से तमाम कोशिशों के बावजूद कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक वो छुट्टी पर हैं। गौरतलब है कि जमुई के डीएम और उनकी पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों के ही परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने तो इसी साल मार्च माह में पत्नी से तलाक के लिए अर्जी भी दायर कर दी है। इससे पहले वत्सला सिंह ने भी कई आरोपों के साथ पति के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। पाटलिपुत्र थाने में दहेज और प्रताड़ना का मामला भी वो डीएम के खिलाफ दर्ज करवा चुकी है। यह मामला दिल्ली के महिला आयोग तक पहुंच चुका है। वत्सला सिंह पटना के मशहूर उद्योगपति विनय सिंह की बेटी है। डीएम और वत्सला सिंह की शादी पटना के पाटलिपुत्र में खूब धूमधाम से हुई थी। पति से विवाद के बाद पत्नी अभी अपने मायके पटना स्थित पाटलिपुत्र कॉलोनी में रह रही हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए सिटीपोस्टलाइव.com पर।